हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट सी चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। तो ग्लिम्सेस का मतलब होता है झलक, और ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया यानी इंडिया की झलक। इस चैप्टर में 3 स्टोरी गिवन है और इस चैप्टर में इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमें जानने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर हैं लूसियो रॉड्रिग्स। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, इस स्टोरी में हम लोग गोवा के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ के बेकर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है? दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर। ये जो स्टोरी है वो क्या है? एक पेन पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट मीन्स होता है ड्राइंग, और पेन मीन्स जब भी आप किसी के बारे में लिखकर डिस्क्राइब करते हो तो वो होता है पेन पोर्ट्रेट, राइट। और ये किसके बारे में है? ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर के बारे में, यानी गोवा के जो विलेज हैं वहाँ के जो बेकर्स हैं वो ट्रेडिशनल कल्चर फॉलो करते हैं, और इस तरह के बेकर्स के बारे में गोवा के विलेज में जो बेकर्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो ट्रेडिशनल कल्चर फॉलो करते हैं, राइट। और ये क्या है? एक पेन पोर्ट्रेट है। हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिनका उनके सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ राइटर कहते हैं आर एल्डर्स आर ऑफन हियर रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। राइटर कहते हैं कि राइटर के एल्डर्स वो अपने पुराने दिनों को, पोर्चुगीज डेज को याद करते हुए बहुत खुश होते हैं, राइट। ओके, और वो क्या करते हैं? उस वक्त के फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड को भी याद करते हैं। जो पुर्तगीज़ जो थे वो इंडिया के जो गोवा पार्ट है वहाँ पर उनका अधिकार था, और वो लोग किसके शौकीन थे? लोव्स ऑफ ब्रेड के, यानी कि ब्रेड के वो लोग बहुत शौकीन थे, वो लोग इसे हमेशा खाया करते थे। आगे राइटर कहते हैं दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड, यानी कि जो ईटर्स हैं, यानी कि जो पुर्तगीज़ हैं वो भले ही अभी चले गए हैं, है ना, गोवा से भले ही अभी चले गए हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो ब्रेड बनाने वाले हैं वो अभी भी वहाँ पर हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मेकर्स द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। राइटर कहते हैं कि अभी भी वहाँ पर मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, और वो भी हैं जो लोव को बेक करते हैं। मिक्सर्स कौन? जो लोव बनाने के लिए जो आटे को गूंथते हैं वो मिक्सर्स भी वहाँ पर हैं। मोल्डर्स यानी वो पर्सन जो सांचे में गूंधे हुए आटे को डालते हैं ताकि उनका लोव बनाया जा सके, और वो पर्सन भी हैं जो लोव्स को बेक करते हैं, है ना। आगे राइटर कहते हैं दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, और वो क्या कहते हैं कि एज ओल्ड पुराने हो चुके, टाइम टेस्टेड यानी पुराने दिनों से ही, बहुत दिनों से यूज़ करते आ रहे हैं ऐसे फर्नेसेस, ऐसे भट्टियाँ, फर्नेसेस मीन्स भट्टियाँ जिसमें लोव्स को बेक किया जाता है, वो भी अभी भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेज हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, जो फायर है फर्नेसेज में, जो भट्टी में जो फायर है वो अभी बुझी नहीं है, राइट। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। तो यहाँ पर थर्ड एंड जिंगल, थर्ड मीन्स क्या होता है? जब भी आप किसी बैम्बू को ज़मीन पर ठक ठक करोगे तो जो साउंड निकलती है उसको कहते हैं थर्ड, और जिंगल मीन्स जो घंटी की आवाज़ होती है उसे कहते हैं जिंगल, राइट। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं जो थर्ड और जिंगल की आवाज़ है वो ट्रेडिशनल बेकर्स के बैम्बू की है। किसकी है? ट्रेडिशनल बेकर्स के बैम्बू की है। और हेराल्डिंग हिज अराइवल, और वो हेराल्डिंग का मतलब होता है अनाउंसिंग, है ना, और उसके वजह से जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, उनके पहुँचने जो बेकर्स हैं जब पहुँचते हैं तो अनाउंस करते हैं, किसकी मदद से? जो उनके बैम्बू हैं, बैम्बू की जो आवाज़ है थर्ड एंड जिंगल, उसकी वजह से ये पता चलता है कि जो बेकर्स हैं वहाँ पर सुबह सुबह आ चुके हैं, राइट। ओके, मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। मे बी फादर अलाइव नहीं हो,
राइट, लेकिन उनका जो बेटा है वो अपने फैमिली प्रोफेशन को अभी भी कैरी कर रहा है, यानी कि जो सन है, जो बेकर है, भले ही उनके पिता नहीं हो, लेकिन अब उनके पिता जो काम करते थे, बेकर्स के पिता क्या काम करते थे, लोव को बनाना, उसको सेल करना, राइट, तो उनका काम कौन कर रहा है, उनका बेटा कर रहा है, राइट. ओके, दीज बेकर्स आर इवन टुडे नॉन एज पैडर इन गोवा, और जो ये बेकर्स हैं आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं. आगे राइटर कहते हैं, ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड. अब राइटर कहते हैं कि उनके बचपन के दिनों में है ना, उनके बचपन के दिनों में गोवा में जो बेकर थे वो उनके दोस्त हुआ करते थे, उनके साथी हुआ करते थे, उनके गाइड हुआ करते थे, राइट. ही यूज़ टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और जो बेकर थे वो कम से कम दिन में कितनी बार आते थे, वो दो बार दिन में आते थे. कब कब आते थे, वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टाइंग हिज ह्यूज बास्केट. तो जो वो सुबह सुबह जो बेकर्स होते थे, सुबह सुबह लोव्स को सेल करने के लिए जाते थे, उस वक्त वो आते थे, और वापस जब अपने जो लोव्स है उसको सेल करने के बाद उसी रास्ते से वापस होते हुए जाते थे. तो इस तरह से वो दिन में दो बार वहाँ पर आते थे. ओके, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉक अस अप फ्रॉम स्लीप. जो जिंगलिंग थर्ड होती है, जैसे कि जब बेकर आते थे अपने साथ, उनकी जो बैम्बू हुआ करती थी, एक तो उनसे टकटक की आवाज़ होती थी और उसमें जो घंटियाँ लगी होती थी उसे जिंगलिंग की आवाज़ आती थी, राइट. तो राइटर कहते हैं कि जो बेकर्स हैं उनके बैम्बू की जो जिंगलिंग थर्ड है, जो साउंड है, उससे हम लोग जग जाते थे, है ना, और दौड़ कर उनसे मिलने जाते थे और उनको ग्रीट करते थे. वाई वॉज इट सो, वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ. ऐसा क्यों था, क्या ये लोफ के प्रति प्यार था? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है. द लोव्स वर बाउड बाई सम पास्किन और बास्टिन. द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. तो यहाँ राइटर क्या कहते हैं कि जो लोव्स हुआ करते थे वो लाए जाते थे पैस्किन या बेस्टिन. ये पैस्किन और बेस्टिन के जरिए, यानी पैस्किन और बेस्टिन कौन, एक मेड सर्वेंट हुआ करती थी घर की, उन्हीं के जरिए वो जो लोव्स है वो लाया जाता था. जब भी बेकर आते थे सेल करने के लिए, तो जो पैस्किन या फिर बेस्टिन, उन्हीं के जरिए लोव्स को लाया जाता था, उन्हीं के जरिए लोव्स वो खरीद कर लाते थे, राइट. वट वी लॉन्ग फॉर दो वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली. राइटर यहाँ क्या कहते हैं, वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, है ना. तो लॉन्ग का मतलब होता है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा डिज़ायर करना. तो राइटर यहाँ कहते हैं कि वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती थी कि जो ब्रेड बैंगल्स थे, यानी कि इस तरह से कुछ ब्रेड बैंगल्स की तरह ब्रेड होते थे, लगता था जैसे कि पूरी तरह बैंगल्स हैं. तो वो वहाँ पर क्या करते थे, जो ब्रेड बैंगल्स होते थे वो जाते थे और उन्हें चूज़ करते थे केयरफुली, राइट. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, है ना. और कभी कभी ये जो ब्रेड होता था वो स्वीट होता था और स्पेशल तरीके से बनाया जाता था, राइट. आगे कहा जा, आगे राइटर कहते हैं, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टेप. तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जो बेकर्स होते थे उनकी जो एंट्री होती थी वो बहुत ही ज़्यादा म्यूजिकल एंट्री होती थी, और वो सीन होता था वो क्या होता था कि वो जो अपने साथ जो बैम्बू स्टैफ रखते थे, स्टैफ का मतलब क्या होता है, स्टिक, राइट. तो उनसे वो झैंग झैंग साउंड प्रोड्यूस करते थे और इस तरह से उनकी जो एंट्री होती थी म्यूजिकल एंट्री होती थी. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंगड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड. और उनका जो एक हाथ होता था वो सपोर्ट करता था बास्केट को, यानी एक हाथ से वो बास्केट को पकड़े रहते थे, राइट, जो उनके सर पर रखा होता था, एंड द अदर बैंगड विद द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, राइट. और दूसरा हाथ से वो क्या करते थे, बैम्बू को ग्राउंड पर पैट करते थे, यानी कि उससे साउंड प्रोड्यूस करते थे, है ना. वो उससे जो थर्ड और जिंगल जैसी आवाज़ होती थी, झंग झंग आवाज़ होती थी, वो
होती थी। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। वो क्या करते थे, जब आते थे तो इस तरह से जो घर की जो लेडी होती थी उनको ग्रीट करते थे, राइट। और ग्रीट कैसे करते थे, गुड मॉर्निंग बोलकर ग्रीट करते थे एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन वर्टिकल बैम्बू। और फिर वो क्या करते थे, अपने बास्केट को जो वर्टिकल बैम्बू हुआ करते थे उसके ऊपर रख देते थे। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. और जैसे ही बेकर्स आते थे तो जो ऑथर हैं और उनके साथ से जो बच्चे हैं वो क्या करते थे, खुश हो जाते थे क्योंकि उनको तो बैंगल वाली जो ब्रेड है वो चाहिए होती थी। तो वो जब दौड़ दौड़ कर आते थे तो उनके उन्हें क्या किया जाता था, रिब्यूक मीन्स थोड़ा सा डांट कर उन्हें पुश्ड असाइड यानी उन्हें साइड कर दिया जाता था। और जो लोव्स हुआ करते थे वो सर्वेंट खरीद लेती थी और फिर अंदर ले जाती थी, राइट। और सर्वेंट के जरिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सर्वेंट के जरिए ही वो ब्रेड खरीदा जाता था, राइट। ओके, जो सर्वेंट क्या कहा जाता था, पैस्किनी और बैस्टिन, है ना, उन्हीं के जरिए लोव्स को खरीदा जाता था और फिर उसके बाद वो अंदर ले जाती थी लोव्स को, सर्वेंट के जरिए खरीदा जाता था। ओके, आगे क्या लिखा है, आगे राइटर कहते हैं कि बट वी वुड नॉट गिव अप, है ना। जैसे ही बच्चे वहाँ पर जाते थे, ऑथर जाते थे, जब वो छोटे थे तो उनको साइड कर दिया जाता था लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच ऑन द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। तो वो क्या करते थे, वो क्लाइंब चढ़ जाते थे बेंच के ऊपर या पैरापेट के ऊपर चढ़ जाते थे, बालकनी की जैसा हाफ वॉल बनी होती है उस पर चढ़ जाते थे और वो झांकते थे बास्केट के अंदर, झांकते थे किसी भी तरह से वो। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। और वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं याद करता हूँ वो जो लोव्स हुआ करते थे उनकी खुशबू को याद कर सकता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन। और जो लोव्स हुआ करते थे वो एल्डर्स के लिए हुआ करते थे और जो बैंगल्स थे वो चिल्ड्रेन के लिए, क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे हमेशा जो बैंगल्स की तरह जो ब्रेड थे उनको वो पसंद करते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। और उसके बाद जैसे ही वो उन्हें बेकर्स को देखते थे कि वो ब्रेड लेकर आए हैं तो इवन वो केयर भी नहीं करते थे ब्रश करना अपने दांतों को या फिर वॉश करना अपने मुँह को प्रॉपरली। बस वो जैसे ही बेकर्स आते थे वो दौड़ के उनकी तरफ जाते थे और ताकि वो उन्हें चूज कर सके ब्रेड को, राइट। एंड वाई शुड वी, और मुझे हमें क्यों करना चाहिए था, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं कि जो मैंगो लीफ यानी यहाँ पर वो दतवन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसे दातून कहा जाता है। तो हु वुड टेक द ट्रबल यानी कि इतना कौन मेहनत करेगा कि दातून को लो फिर उसको उसे दांत साफ करो, राइट। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये जो था वो इतनी ज़रूरत क्यों थी इसकी। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और जो टाइगर है उसने तो कभी अपने दांतों को साफ नहीं किया। हॉट ही कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और वो राइटर कहते हैं कि जो गर्म चाय है वो क्या करती है, वॉश और क्लीन कर देती है दांतों को, यानी एवरीथिंग सो नाइसली यानी कि अच्छी तरह से दांत मुँह को अच्छी तरह से वो साफ़ कर देती है। तो यहाँ पर राइटर ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही बेकर्स आते थे लोव्स को लेकर के तो वो लोग क्या करते थे, दौड़ कर जाते थे बेकर्स के पास और ताकि वो अपने पसंद का ब्रेड को चूज़ कर सके। इवन वो अपने दांतों को और माउथ को भी प्रॉपर तरीके से ब्रश करना या फिर वॉश करना ये उनको केयर नहीं था, बस वो जाते थे बेकर्स के पास, उनको तो बस ब्रेड ही चाहिए थी। ओके, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि मैरिजेस गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बोल। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो मैरिज के गिफ्ट हुआ करते थे वो बेमानी हुआ करते थे, यानी बिना स्वीट ब्रेड के वो पूरे नहीं माने जाते थे, जिसे कि बोल कहा जाता था। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। जो पार्टी हुआ करती थी कहीं दावत है तो वहाँ पर बिना ब्रेड के काम चलता ही नहीं था, यानी कि पूरी तरह से ब्रेड वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी होता था। राइटर आगे कहते हैं कि ज़्यादा
काफ़ी नहीं है इसके लिए, जितना भी बताया गया वो काफ़ी नहीं है। और इसे ये समझा जा सकता है कि जो बेकर है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है गांव के लिए, राइट। यानी पार्टी हो या फिर मैरिज हो कि फीस्ट हो, हर जगह बिना ब्रेड के काम चलता ही नहीं था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। और ये ब्रेड की मदद से, यानी ब्रेड का यूज़ करते हुए जो लेडी है घर की, वो प्रिपेयर करती थी सैंडविचेज अपने डॉटर्स की एंगेजमेंट के लिए। केक्स एंड बॉलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। जो केक्स है, बॉलिनाज है, वो मस्ट होते थे क्रिसमस के लिए और साथ ही साथ दूसरे फेस्टिवल्स के लिए। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। और इस वजह से जो बेकर्स के फर्नेस है, जो बेकर्स की जो भट्टी है, उनकी जो प्रेजेंस है गांव के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नॉन एज द कबाई। तो जो बेकर होते थे, जो ब्रेड सेलर्स होते थे, वो एक तरह के कपड़े पहनते थे, एक तरह की ड्रेस पहनते थे जिसे कबाई कहा जाता है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और ये किस तरह का होता था, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक की तरह होता था जो कि घुटनों तक होता था, राइट। इन आर चाइल्डहुड वी सो बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वो शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं क्या कि हमारे चाइल्डहुड के दौरान, यानी राइटर के बचपन के दिनों में, राइटर ये देखा करते थे कि जो बेकर्स होते थे वो शर्ट पहना करते थे और ट्राउजर्स पहना करते थे विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, और जो कि छोटा होता था, जो फुल लेंथ वाली जो ट्राउजर होती थी उसे छोटा होता था, राइट। और लॉन्गर देन हाफ पैंट, यानी कि जो पैंट होता था वो हाफ से थोड़ा सा बड़ा होता था और जो लॉन्ग से थोड़ा सा छोटा होता था, राइट। जैसे 3/4 बोल सकते हैं, ओके। आगे राइटर कहते हैं कि इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैटर। यानी कि आज भी अगर कोई इस तरह के हाफ पैंट पहनता है जो कि जस्ट बिलो नीज होता है, यानी घुटनों से नीचे का होता है, तो उसे क्या कहा जाता है कि वो किस तरह का दिख रहा है, वो पैडर की तरह दिख रहा है, मतलब कि वो बेकर की तरह दिख रहा है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर हुआ करते थे वो मंथ के लास्ट में अपने बिल को कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और जो मंथली अकाउंट्स होते थे, यानी कि कुछ लोग क्या करते थे कि मंथ में पे किया करते थे, जो ब्रेड ले लेते थे और मंथ में पे किया करते थे, तो जो मंथली अकाउंट होता था, जो मंथली जो हिसाब किताब होता था लोव्स लेने के बाद, तो वो रिकॉर्ड किया जाता था पेंसिल के जरिए कुछ दीवारों पर, राइट, है ना। वहाँ के लोग क्या करते थे कि दीवारों पर पेंसिल से मंथली अकाउंट रिकॉर्ड रखते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। जो बेकिंग एक तरह का किस तरह का प्रोफेशन था, प्रॉफिटेबल था, यानी फ़ायदे वाला था उन दिनों। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। जो फैमिली थी बेकर की, बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखो नहीं रहते थे, है ना, क्योंकि ये एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन भी था, इससे पैसे भी आते थे और साथ ही साथ खाने के लिए ब्रेड भी हुआ करता था। तो इस वजह से जो बेकर और उनकी फैमिली थी वो कभी भूखो नहीं रहते थे, ही हिज फैमिली एंड मतलब भूखे नहीं रहते थे, राइट, ओके। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुकड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। और जो बेकर हुआ करते थे वो उनकी फैमिली और उनके यहाँ तक कि जो सर्वेंट है वो हमेशा खुश दिखा करते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और उनका इस तरह से वो दिखते थे वो, क्योंकि वो हेल्दी हुआ करते थे, बहुत ही वो खुश रहते थे, तो इस ये एक उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस था वो देखने में जिस तरह से थे वो इससे ये साबित होता था कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस। यानी कि आज भी ऐसा पर्सन जो जैक फ्रूट, यानी जो मोटे ताजे जो होते हैं, तो वो ईजिली कंपेयर किए जाते हैं बेकर से, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि जो बेकर हुआ करते थे वो बहुत ही हेल्दी हुआ करते थे, मोटे ताजे हुआ करते थे, राइट, ओके। तो ये थी गोवा के बारे में और गोवा के बेकर्स के बारे में। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक
नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।